हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा आपका जो है चैप्टर नंबर 12 आपका चल रहा है। इसमें ऐसा लिखा था दिया आपका चैप्टर नंबर 12 में द टेलर एंड द एलिफेंट। द टेलर एंड द एलिफेंट। The tailor, T-A-I-L-R, and the elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, ठीक है? दर्जी और हाथी, टेलर को कपड़ा सिलता है, उसे बोलते हैं टेलर। क्या पहले जो है दर्जी और हाथी, ये रिश्ते का नाम है। सबसे पहले जो है इसमें हम गेट सेट देखें बेटा। गेट सेट में आपका दिया है व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल मैच देम। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल, यानी ये जो एनिमल दिए गए हैं तो आपके बुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है? ये एनिमल्स दिए गए हैं, ठीक है? और इनकी जो है इनके बारे में जो स्पेशल है, विशेष है, उनको जो है आपको पूछा है क्या है इनके विशेष, क्या है जानवरों का विशेष क्या है, और मैच दे और उनको जो है आपको मैच कराना है, मिलान कराना है, ठीक है बेटा? पेज नंबर 67 पे है। व्हाट इज स्पेशल सी आर के एल, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल, अबाउट दी एनिमल, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल, मैच दे। ठीक बच्चों, मेरा वाक्य स्पेशल दिखाया गया बना हुआ है जो आपके एनिमल्स का आपका एलिफेंट, लायन, टाइगर, डियर एंड टर्टाइल, ये आपके एनिमल्स के फिगर बने हुए हैं और इनके बारे में जो विशेष है आपको उनको मैच कराना है, ठीक है? उनके नीचे जो है आपका जो स्पेशल क्वालिटी है, जो फूड है उसमें लिखा हुआ है स्पेशल है, विशेष है, उसको आपको ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। आपको उन जानवरों से उनके स्पेशल जो विशेष है उनको जो है मैच कराना है। तो यहाँ से फिगर बना हुआ है आपका वन सेलेक्ट फाइव कार्ड, यहाँ पर जो है इसको लिख देना है। फर्स्ट आपका है यहाँ पर आपका नेम लिख रहा है एलिफेंट, यहाँ पर जो है आपके बुक में आपका फिगर बना हुआ है। सेकेंड आपका है लायन, सेकेंड फिगर आपका लायन है। थर्ड है आपका फिगर टाइगर, टाइगर। फोर्थ फिगर आपका है डियर, डीडब्ल्यूआर, डियर एंड लास्ट आपका फिफ्थ है टर्टाइल, टी ओ आर टी ओ आई एस टी। तो लास्ट में आपका है टी ओ आर टी ओ आई एस टी टर्टाइल, कछुआ, ठीक है? टी ओ आर टी ओ आई एस टी टर्टाइल में कछुआ, ठीक है? तो आप जो है जो हमने आपको यहाँ पर नेम लिखा बेटा जो है इन सत्रह फिगर बना हुआ है, जहाँ हम लिखे हैं वहाँ पे आपका एलिफेंट का फिगर है, लायन फिगर है, लायन का फिगर है, फिर आपका टाइगर का फिगर है, डियर का है और टर्टाइल का, इस तरह से आपका बुक में फिगर बना हुआ है। और इस सब जो है ए बी सी डी ई करके लिखा हुआ है, ये आपका है स्ट्राइप S T R I P E R, स्ट्राइप S T R I
पी एच स्ट्राइप में धारियां, अगला आपका बी है स्पॉट या पीओटीएस। स्पॉट, स्पॉट मीन्स धब्बे, ठीक है, धब्बे मेन या मेनी। सी आपका है एम ए एन टी, मेन, मेन मीन आयात, क्या बोलते हैं हिंदी में आयात। डी आपका होल, ठीक है, होल होता है। एंड लास्ट आपका दिया है ट्रंक, ट्रंक मीन सून, ठीक है, ट्रंक दिया था ठीक है बेटा। ये आपका दिया है, ये जानवरों का जो एनिमल्स है इनका है, जिनमें क्या क्या होता है कैसे, तो उन्हीं को जो आपको मैच कराना है, समझ गए। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट जो फिगर है एलिफेंट का, उसको आपको करके दिखा दिया है। आप जो है फर्स्ट वाले को ई से, आप इसमें फर्स्ट जो है ई से मैच कराया, यानी एलिफेंट का जो है फर्स्ट से को ठीक है। एलिफेंट का जो है ई आपका ट्रंक, एलिफेंट में हाथ होता है और हाथी को जो एलिफेंट क्या होता है उसमें जो है हाथी को जो है सून होता है, ट्रंक, ट्रंक में सून, यहाँ से आप कह सकते हैं ठीक है, ट्रंक में क्या होता है सून होता है, सून। ये हो जाएगा और इसी प्रकार आप सेकंड देखेंगे लाइन से, लाइन मीन शेर, आप सेकंड फिगर देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं बेटा लाइन जो है शेर है जो है आपका उसके चारों तरफ, उसके गर्दन के चारों तरफ आप देख रहे हो ऊपर जो बड़े बड़े बाल है गर्दन के चारों तरफ जो है आपका देख रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेटा, उसे हम आयाल बोलते हैं, मेन एम ए एन ई, मेन मीन आयाल, जो शेर के गर्दन पे जो है नीचे ऐसी तरफ आपका बाल रहता है, ठीक है, फिगर में देख सकते हैं, उसे हम मेन बोलते हैं। तो लाइन को लाइन किस में लाएंगे, मेन लाइन जो है सी, सी आपका क्या है मेन, ठीक है, और मेन किस तरफ का आयाल बोलते हैं मेनली आयाल, ठीक है। और जो थर्ड आपका जो फिगर है वह दिया आपका टाइगर बाघ, ठीक है, टाइगर दिया आपका, तो टाइगर को आप ध्यान रखेंगे तो उसके जो बॉडी पे शरीर पे जो है क्या बनी है बेटा आपका धारियां स्ट्राइप, टाइगर के बॉडी पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है आपका धारियां बनी हुई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्राइप, एस टी आर आई पी ई आर, टाइगर के जो है टाइगर का जो नाम ए यानी कि स्ट्राइप धारियां, टाइगर के जो है टी आई टी आर धारियां स्ट्राइप, इससे हम ऐसे करेंगे धारिया होता है। और आगे आपको दिया है फिगर नंबर फोर, डियर मीन्स हिरन, डियर मीन्स हिरन, और हिरन के बेटा बॉडी पे देख रहे हैं फिगर में, आप बुक पेज नंबर 57 पे देखेंगे, इसमें जो फिगर बना हुआ है उसके शरीर पर जो है इस तरह से जो है आपका ठीक है, इस तरह से धब्बे बने हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं उसका स्पॉट, ठीक है, क्या बोलेंगे स्पॉट मीन्स धब्बे, बिना स्पॉट्स हो जाएंगे,
डियर का जो है आपका डियर स्पॉट, ठीक है, डियर जो है आपका किससे मिलेगा, स्पॉट से, और स्पॉट में जो है आपका मुद्दे, ठीक है। और लास्ट आपका मतलब था सरप्राइज, टी ओ आर, टी ओ आई एफ सी, टी ओ आर टी ओ आई एफ सी, सरप्राइज मीन आपका दिया अपना कछुआ, या आपका कछुआ का फिगर है, तो कछुआ का जो आप देखेंगे तो उसका ऊपरी बॉडी जो है ऊपर, ठीक है, उसको बैक पीछे पीठ पर जो है एक आपका जो है बहुत खोल, एक जो है सॉलिड बहुत मजबूत, ठीक है, खोल होता है, बहुत मजबूत क्या होता है, खोल होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है, और यहाँ से उसको हम लिखेंगे सेल, सेल मीन्स होता है खोल, जो ऊपर उसकी बॉडी पर होता है, उसे हम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका इसको जो है आप ये व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एनिमल, इस एनिमल्स में जो है जो स्पेशल है इसके बारे में उनको आप उनसे मेंशन करना, इस तरह जो है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एलिफेंट का नाम सुपर लाइन का क्या था, मेन टाइगर का क्या था, स्ट्राइप, डियर का स्पॉट, एंड लास्ट का क्या टाइप, टाइप का क्या था, सेल, ठीक है। इसका बेटा इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे कंपैरिजन चेकअप में आपका क्या है, एक तीन जगह कैंसर, सही स्तर पर जो है आपको सही कैंसर लगाना है, यदि आपका ए सही उत्तर पर जो है सही का आपको निशान लगा रखा, फर्स्ट है आपका भोलू आर ए और एन, भोलू आर ए और एन, भोलू ए था, ठीक है, क्या था लिखेंगे पहला आपका भोलू बी एन एन, भोलू आर ए और एन, भोलू वाज ए ऑफ एन, ऑप्शन ए है लायन, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी लास्ट ऑप्शन सी बेटा एलिफेंट, ये दिया था एलिफेंट, ये बेटा आपका कहानी है द टेलर एंड एलिफेंट, इसमें आपका फर्स्ट टाइम देखेंगे भोलू आर, भोलू द एलिफेंट, ठीक है, भोलू द एलिफेंट वहां दे दीजिए कि रिवर द्वारे बार, यानी भोलू का क्या था, एलिफेंट था, भोलू हाथी, भोलू भोलू नाम का हाथी था जो कि प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाता था, ठीक है। तो यहाँ से आपका भोलू क्या नाम का एक हाथी था, ठीक है, याद हो जाएगा भोलू बा एन, एन एलिफेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे एन हो रहा है, एन बोलू वाज एन, तो एन हो बेटा, अगर आप लोग ए और एन को बताएंगे एन हो सकता है जो आपका वर्ड स्पेसिफिक कैसे वॉवेल से, यानी कि ए ई आ
आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं एन लगाते हैं, और जब कोई वर्ड जो है आपका कंसोनेंट वॉवल को छोड़ करके कंसोनेंट से आपके स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके यहाँ सीनियर है और यहाँ फिलहाल विजिया के वर्ड लगाते हैं, तो उसको हम क्या लगाते हैं ए लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कंसोनेंट है। वॉवल से वॉवल को स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा बोल हुआ एन एलिफेंट आप तीन इसका कर रहे हैं, सेकेंड देखेंगे आप, सेकेंड दिया है मालू वाज ए, मालू वाज ए, मालू वाज ए, आप सर मालू एक था, मालू एक नाम है, मालू एक था, क्या था बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया आपका फार्मल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिया है पोस्टमैन, ऐसा का यूपी, ऐसा का सी टेलर, टी ए आई एल, ठीक है टेलर ये दिया क्या था, मैं मालूम बात है मालूम एक था क्या था था, था या फिर एक टेलर था, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि ऑन इज वे टू द रिवर बोलू पास टू द बाजार मानू द टेलर, यहाँ पे लिखा है कि जिस रास्ते से वो गुजरता था एक बाजार से होकर के वह भोलू जो है गुजरता था, और उसी बाजार में जो है मानू नाम का एक क्या था टेलर था, दर्जी था, और उसका जो है उस बाजार में एक दुकान था, ठीक है। तो यहाँ से मालू क्या था बेटा टेलर, मालू द टेलर, मालू एक व्यक्ति था, यहाँ से मालू वाज द टेलर, मालू वाज द टेलर, ठीक है। थर्ड आपका हु बिकम फ्रेंड विद गुड, हु बिकम Who become friend with Bholu? Who become friend with Bholu? यानी कि Bholu का मित्र जो है कौन बना, कौन बन गया, ठीक है। आप सबके महबूब द बार्बर, एम ए, एम ए बी यू, महबूब द बार्बर, ऑप्शन बी, अनु द पेंटर, अनु द पेंटर, ऐसा दूसरी है आपका मालू द टेलर, मालू द टेलर, मालू द टेलर आकृति है, ठीक है। तो भोलू का जो मित्र था कौन बना था, यहाँ पे आप देखेंगे मालू एंड भोलू बिकम गुड फ्रेंड्स, मालू एंड भोलू बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि मालू और भोलू जो है अच्छे मित्र बन गए, ठीक है। तो आपको क्या जगह सर आपको मालू एंड भोलू दिया है, यहाँ पे मालू का टेलर, मालू कहता है दर्जी था, ठीक है। तो आपको भी आपको बेटा जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका बी दिया है फ्रीज ऑफ टाइम, इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, इसको होमवर्क में आप करेंगे। बी दिया है फिल इन द ब्लैंक,
पहला आपका है पाल और यू मेड रिवर और वे टू रिवर भोलू पाल भोलू पाल सो यस आर टू जीएस सो द ठीक है याद दिया कि और इसमें जो है नदी के रास्ते पर अनुपात जो है कनेक्शन का थ्रू द किसी कनेक्शन का उसको आपको लिखना है लेकिन जब का है मालूम है मालूम में इन द प्राइस पी ए एस पी एस पैन पैन और चिल्ड्रेन यानी मालूम था जो डर पिता पहले था वह क्या क्या मतलब मालूम है मतलब था आप अपने तो जान सकते हैं एंड जान सकते हैं चिल्ड्रेन इस तरह से के समझ रहे होगा बोलो यू कुछ ही बोलो यू टू कुछ ही in the bed inside the soft for the bed one day madhu wanted to play off wanted to play इन द बेड एंड लास्ट ऑफ द बेड भोलू ट्राइड भोलू ट्राइड इन द बेड एंड रेस्ट ऑफ इट रेन अवे इन इन द बेड ठीक है अगर बोलू क्राई एंड रेड अवे इन द ब्लड ये जो आपको बी एम इन द ब्लड ये आपको जो है होमवर्क इसको कंप्लीट करना है ठीक है सो जो है आप होमवर्क उसका कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इससे आगे तक सी दिया है स्टेट ट्रू और फॉल्स ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तब के लिए बाय बच्चों टेक केयर